बताओ अयोध्या में हरा दिया, जो अपने भाजपा के नेता अपने आपको बड़े नेता कहते थे वो अपनी अयोध्या की अयोध्या मंदिर नहीं बचा पाए। राम जी भी जानते हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं। मोदी जी गारंटी फेल हो चुकी है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में एकदम एक तरफा किस तरीके समाजवादी पार्टी निकल के आई और मोदी जी का पूरा मैजिक खत्म कर दिया यूपी के दो लड़कों ने और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और भारत में निकाल दिया। अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, उनके समर्थक यहाँ पे पहुंचे, उनसे सीधा जुड़ेंगे। क्या वाकई में यूपी के दो लड़कों की जोड़ी ने पीएम मोदी का जो विजय रथ था उसको रोक दिया? अहंकार, पीएम मोदी का अहंकार, बिल्डोजर की राजनीति जनता ने खत्म कर दी। अखिलेश यादव जी का पीडीए सफल हुआ और जनता आपस में प्यार चाहती है, भाईचारा चाहती है, जनता अपना विकास चाहती है, उद्योगपतियों का विकास नहीं चाहती। देश में 5 उद्योगपतियों ने देश लूट लिया है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता दुखी थी, परेशान थी। उत्तर प्रदेश की जनता बदलने का मौका ढूंढ रही थी। अखिलेश यादव जी के रूम में बहुत बड़ा नेतृत्व पीडीए का मिला और जनता ने भर भर के दिया। 50 सीटें जीतनी चाहिए थी। पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया था और जिस तरीके के आंकड़े सामने, इससे साफ हो गया है कि पीडीए का नारा चल गया। तो लड़कों की जोड़ी ने क्या मोदी जी का विजय रखा? मोदी जी का विजय फेल कर दिया। दोनों लड़कों ने तहलका मचा दिया, मीडिया गठबंधन की सरकार को बना दिया। पूरे देश में बदलाव आ गया है, आप देख लीजिए कितनी खुशी है, कितनी लहर है। और इन्हें मौका मिलना चाहिए। 10 साल हो गए हैं, 75 साल की एज हो गई है, उन्हें अपना आराम करना चाहिए। देश नौजवानों को देना चाहिए, पढ़े लिखों को देना चाहिए, मौका देना चाहिए। उसके बाद विकास देखिए हमारे देश में कितना होगा, भाईचारा कितना कायम होगा। पीडीए जहर की राजनीति खत्म हो गई, प्यार की मोहब्बत की दुकान चल गई। यूपी से ही पहुंचे हैं पीडीए प्लस दो लड़कों की जोड़ी, क्या पूरी तरीके से यूपी की जनता को अपनी ओर लाने में सफल रही? बिल्कुल, हम यूपी में 43 सीट जीत चुके हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े, पिछड़े में अगड़े, वो सब साथ आए और उन्होंने वोट करा और अखिलेश यादव आज 43 सीट लाकर हिंदुस्तान की राजनीति में अपना एक अलग स्थान कर दिया है। नेताजी के बाद सबसे ज्यादा, 2004 के बाद हम सबसे ज्यादा बड़े नेता अखिलेश यादव, उनकी पार्टी बन जी देश के सबसे बड़े नेता बन गए, तीसरे नेता है, तीसरी पार्टी है हमारी सबसे ज्यादा सीट लाने वाली। क्या लगता है योगी मोदी की जो जोड़ी, दो योगी मोदी की जोड़ी पे दो लड़कों की जोड़ी भारी पड़ गई? भारी पड़ी है, बहुत ज्यादा भारी पड़ी है। योगी मोदी फेल, योगी मोदी की जोड़ी फेल। देश के अंदर करण अर्जुन बनकर उभर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी ने इतना काम कर रखा था प्रदेश के अंदर कि साल में 365 दिन होते हैं, अगर दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काम खत्म होने का नहीं है। इतने बड़ी जनसंख्या में काम कर रखे हैं और अखिलेश यादव सरकार बनने जा रहे हैं। मैडम, सबसे ज्यादा काम अखिलेश यादव ने किया, बताइए विकास के नाम पर क्या? करण अर्जुन की जोड़ी कामयाब हुई है देश के अंदर। देखिए लगातार यहाँ पर बड़े नेताओं का पहुँचना जो है जारी है, क्योंकि पूरी मीटिंग होनी है और इसी मीटिंग में तय हो जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से अब जो है और मात दी जाएगी। और लेकिन इसे बीच लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्टालिन जी पहुँचे हुए हैं और तमाम इन नेताओं का एक बड़ा रोल रहा है, देखिए इंडिया गठबंधन को एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए। और उसी की तस्वीर आज देखने को मिल जाएगी, जिस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन इस समय यूनाइटेड है और पूरी तरीके से जो 400 पार का नारा दिया गया था जिसके बलबूते पूरी तरीके से क्या जो है एक ओंकार पीएम मोदी ने भरी थी, वो कहीं ना कहीं शांत होती हुई नजर आती है। क्या लगता है जिस तरीके से डबल इंजन सरकार यूपी के अंदर, फिर मोदी योगी की जोड़ी, सरकार पूरी फेल हो गई? आप देख लो राजस्थान में 25 में से 11 कांग्रेस जीती है।
और ये देखना ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 101%। अभी हमारी मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर में फाइनल फैसला हो जाएगा, कांग्रेस सरकार बनेगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी तो अपना दावा पेश कर, मोदी जी का दावा फेल हो गया, मोदी जी को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। मोदी जी को तो देश में जनता ने फेल कर दिया, आप क्या बताओ, आप मोदी जी की बात कर रही हो, फेल हो गए मोदी, मोदी जी बिल्कुल फेल हो गए हैं। बताइए माननीय अखिलेश 37 सीट लेकर आए, बताइए देश की 33 नंबर की पार्टी बन गई अखिलेश यादव जी की, वो अकान जनता के काम जो समझ में आ रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सरकार में काम किया अब समझ में आ रहा है वो काम, ये काम के नाम पे वोट मिला है। बताइए मंदिर के नाम पे, ये झूठ बोलते हैं मंदिर के नाम पे कोई वोट मिला हो, बताइए आप, बताइए अयोध्या वालों ने पूरी तरीके से परास्त कर दिया, बताओ अयोध्या में हरा दिया, जो अपने भाजपा के नेता अपने आपको बड़े नेता कहते थे वो अपनी अयोध्या की अयोध्या मंदिर नहीं बचा पाए। राम जी भी जानते हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने वाले को राम जी ने भी पसंद ना किया और राम जी ने भी अयोध्या से भगाने का काम भाजपा को किया। अखिलेश यादव बोल रहे थे कि क्यूटो की जो सीट है वो भी फंसी हुई नजर आ रही है और हालात वही नजर आए कि किस तरीके से कम मार्जिन से, बताइए 2019 की बात करिए, 4.5 लाख से योगी मोदी जी जीतते थे, इस बार 1.5 लाख से आ गए और तीन बार ऐसा भी हुआ योगी जी मोदी जी तीन घंटे पीछे भी रहे। बताइए देश का प्रधानमंत्री पीछे जाता जो 4.5 लाख से जीतता था वो 1.5 लाख पाने का काम किया उसने मोदी, वाराणसी ने भी उनको नकार दिया पूरी तरीके, बिल्कुल नकार दिया। बताइए आपके सामने और पूरे प्रदेश में बताइए क्या माहौल था आपके सामने था, आप तो पत्रकार तो बनारस से छोड़िए, 1.5 लाख पा गए, 4.5 लाख से जीतने वाले ये तो बनारस से बस नसीब था, जीतने तो बनारस में नहीं बच पाता इस बार। अभी भी कह रहे हैं कल देखिए पूरा अपना संबोधन किया, पूरा एक तरीके से जश्न मना गया और कह रहे हैं मोदी की गारंटी तो है और रहे, मोदी जी गारंटी फेल हो चुकी है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में एकदम एक तरफा किस तरीके समाजवादी पार्टी निकल के आई और पीडीए का जो नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था किस तरह सकारात्मक होता हुआ दिखा, इंडिया गठबंधन के साथ कैसे चुनाव लड़ा आप लोगों ने देखा कि एक छत्र राज समाजवादी पार्टी का गठबंधन का वहां निकल कर रहा है और भविष्य के नेता है अखिलेश यादव। मैं तो कहता हूँ अगर प्रधानमंत्री पद के लिए इन्हें घोषणा कर दी जाए तो सभी लोग आने के लिए तैयार रहेंगे और मुझे विश्वास है नीतीश कुमार और नायडू भी आने के लिए अखिलेश यादव जी के नाम पर तैयार रहेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है, अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के लिए घोषणा की जाए, ये सब लोग उनके पास आने के लिए तैयार रहे क्योंकि पीडीए की इनकी जो रणनीति है वो इतनी बड़ी रणनीति है। वही बात होने वाली है ना, देखिए वहाँ एनडीए में तो सब मोदी के नेतृत्व में आगे चलने के लिए तैयार है और इंडिया गठबंधन में वही जो पीएम मोदी कहते थे कि लड़ाई होगी, कोई लड़ाई नहीं है, राहुल गांधी जी का भी सम्मान है लेकिन जो समाजवादी पार्टी इतनी भारी बहुमत से निकल कर आई है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी निकली है, तो मैं कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर प्रदेश का नेतृत्व दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की तरह भी नेतृत्व भी सफल निकलेगा और देश आगे बढ़ेगा उनके नेतृत्व में, एक नई रणनीति बनकर उभरेगी क्योंकि धरती पर तो मुलायम सिंह के बेटे हैं, उन्होंने देश की राजनीति को नजदीक से देखा है, प्रदेश की राजनीति को नजदीक से देखा है। लड़कों ने क्या लगता है मोदी जी का मैजिक खत्म कर दिया, मोदी जी का पूरा मैजिक खत्म कर दिया यूपी के दो लड़कों ने और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और भारत ने निकाल दिया, अब जनता इनके जुमले बसने वाली नहीं है, अब भारत का नए चेहरे को देखना चाहती है, चाहे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है, उत्तर प्रदेश इनका रथ रोक दिया, अब इनका इलाज खत्म हो गया, जुमले की राजनीति खत्म हो गई, मंदिर मस्जिद से जो वोट मांगते थे वो भी इनका सब जुमला खत्म हो गया, अब सिर्फ जनता बेरोजगारी और जो जुमलेबाजी के मुद्दे सब खत्म हो गए इनके। संविधान बचाने के लिए यूपी वालों ने बोला, संविधान भी बचाने गए, संविधान ही बदल देते, इनका राजनीतिक मुद्दा ये था संविधान बदलना, अब सब समाज ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, जनता ने देख लिया कि झूठे जुमले नहीं चलेंगे। मोदी तो कह रहे हैं कि जीत हमने हासिल किया और जश्न और उछल ये लोग, नहीं जश्न मनाने की बात है, वे भी एनडीए गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, 38 सीटों का 38 पार्टियों का उनके पास समर्थन है, हम लोगों के पास ही पार्टियों का समर्थन है, हम लोग भी इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, जो दंगल में लड़ेगा वो जीत जाएगा, जिस तरीके से हमारे निकल के जनता ने विश्वास किया, पूरे प्रदेश पूरे देश की जनता ने गठबंधन पर विश्वास किया, उसके हिसाब से जो जनमत दिया है तो सरकार यहाँ पर गठबंधन की बननी चाहिए। जो अकेली सीटें मैं लेकर आया हूँ 230-240 के करीब में, पूरा गठबंधन मिलकर के भी उतनी सीटें कैसे नहीं लेकर आता, समाजवादी पार्टी की सीटें हराने का
फर्रुखाबाद से लगाकर मिर्जापुर से लगाकर तमाम सीटों पर बेईमानी हुई है। आप लोग देखो, चार पांच सीटों को इन्होंने खाने का काम किया है, वरना वहां पर बिल्कुल पिछड़ रहे थे ये लोग। जो काउंटिंग थी उसे स्लो करने का काम किया है और वहां से प्रत्याशियों को लाइटें भगाकर उन्हें भगाने का काम किया है। इस तरह की गलत रणनीतियों के साथ ये सीटें लेकर आए, वरना इनकी इतनी सीटें भी नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार यहाँ पर देखिए यूपी तमाम क्षेत्रों से लोगों का आना जाना पूरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या इंडिया गठबंधन इतनी मजबूत स्थिति में आने के बाद क्या सरकार बना पाएगी। बहरहाल ये सवाल बड़ा है, इसका जवाब रहते मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं 4PM दिल्ली। We'll be right back.